हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को तीन ऐसी खतरनाक चर्म रोगों के बारे में बताने वाला हूं जो डॉग से मनुष्यों को होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हम लोगों ने सुना नहीं है। असल में है कि रेबीज को इतना हाईलाइट किया गया है, खास करके एनजीओज के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि उनसे तो फंड आता है ना, गवर्नमेंट से फंड आता है, फॉरेन से फंड आता है, इसलिए उस रेबीज को इतना हाईलाइट किया गया है सभी एनजीओज के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, कि बाकी सभी बीमारियां जो डॉग्स से मनुष्यों को हो सकती है वो ढक गई है। एनजीओ ने इस तरह का वो अपने लालच में, अपने सब्सिस्टेंस के लिए, पैसे के लालच में किया है, इसीलिए रेबीज को हाईलाइट करते हैं, बाकी बीमारियों का क्या। लेकिन बाकी बीमारियां भी बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक मतलब कि ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे चर्म रोग हैं जो अगर मनुष्यों को डॉग से हो जाए तो हो सकता है जिंदगी भर उसका पीछा ना छोड़े। जी हाँ, ऐसा ही खतरनाक है। तो आइए शुरू करते हैं। असल में ये सभी बातें कोई और यूट्यूबर्स या कोई और एनजीओज या कोई और ब्लॉग्स में आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, किसी को कोई फायदा नहीं है ना। तो डॉग्स के बिजनेस को तो बढ़ावा देना है, उसको उल्टे और बोलेंगे कि और घट जाए, तो ऐसा कौन चाहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ तीन जो मुख्य चर्म रोग हैं जो डॉग से मनुष्य को हो सकती है। उसमें पहला है मेंज, दूसरा है रिंग वर्म और तीसरा है चिलेशियाला। चिलेशियाला एक जू होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो पहला है मेंज। मेंज क्या है आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जो भी डॉग ओनर्स है जानते हैं मेंज क्या है। मेंज कुछ भी नहीं है, एक माइट्स होता है, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कीड़ा होता है जो आंखों से दिखता नहीं है। डॉग्स को अगर हो जाए तो उसके शरीर में लाल लाल दाने दाने गांठ गांठ हो जाते हैं और डॉग बहुत खुजली करता है, खास करके पीठ में, बाल भी झड़ते हैं और खास करके स्केबीज उसके नाम से भी जाना जाता है उसे, तो वो जैसे या ये जॉइंट्स में ज़्यादातर होते हैं वो सब के। तो ये बहुत ही आम बीमारी है डॉग्स का, जो डॉग्स में होते हैं और सीजनली मतलब साल में एक बार होना ही होना है। तो ये बीमारी जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये बीमारी जिसे स्केबीज करते हैं ह्यूमन में, ये ह्यूमन को भी हो सकता है। आइए मैं दिखाता हूं आपको, अगर डॉग्स में हो जाए तो किस इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। ये फोटो में देखिए, यही अगर मनुष्यों में हो जाए तो इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ेंगे और ये बहुत ही अनोइंग होता है। अनोइंग मतलब एक बार हो जाए तो आप खुजली करते करते परेशान हो जाएंगे और फिर जो है ना बहुत तरह की दवाइयां आपको खानी पड़ेंगी और फिर भी वो जो है कुछ हद तक वो रह जाएगा आपके शरीर में। और सबसे खराब बात जो है इस चर्म रोग में है वो है कि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करता है, मतलब आप हमेशा परेशान रहेंगे, कभी भी किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो खुजली तो आपको कम होगी लेकिन आप परेशान ज्यादा रहेंगे। तो ये जो है मेंज या स्केबीज जो है ये एक बहुत ही मतलब तंग करने वाला एनोइंग टाइप का जो बीमारी है, तो ये आपको डॉग से आपको हो सकती है। अगर आपके डॉग को हुआ, आपने इलाज ना करवाया, तो आपको होने की संभावना पूरी ही है। अब दूसरे बीमारी में आते हैं जिसे कहते हैं रिंग वर्म। रिंग वर्म तो हम लोग सभी जानते हैं, रिंग वर्म वो जो होता है ना चमड़े में गोल गोल सा ऐसे ऐसे रिंग रिंग टाइप का हो जाता है, लाल टाइप का रहता है, वो दांत खाज खुजली, वो तो सभी को जानते हैं दांत खाज खुजली की दवा, तो रिंग वर्म होता है। रिंग वर्म डॉग्स में अगर हो गया, जो फंगस से होता है, बरसात के दिनों में डॉग्स में होना बहुत आम बात है। अगर आपका डॉग समझिए पानी में चला जाता है, भींगा रहता है और आप पोसते नहीं है, डॉग भींगा ही रह गया,
तो ज्यादातर चांस है कि आपके डॉग को रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। और जहां वो फंगल इन्फेक्शन हुआ और आपने ध्यान नहीं दिया, वो फिर बढ़ता चला गया और पूरे शरीर में फैल गया, तो अगला विक्टिम कौन होगा? आप ही तो होंगे। तो वो डॉग, वो जो है रिंगवर्म, आपको पकड़ लेगा। फिर आप डॉग का भी इलाज कराइए, खुद अपना भी इलाज कराइए। इसका भी रीजन मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, डॉग्स में हो जाए तो इस तरह का दिखता है, और अगर आपको हो जाए, भगवान ना करे, तो इस तरह का दिखेगा। तो ये दो है, दोनों ही बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही अनोइंग, तंग तंग करने वाला बीमारी है जो मनुष्यों को हो सकती है। लेकिन दोनों का ही इलाज है, ऐसा नहीं समझिए कि इलाज नहीं है। डॉग्स में भी इलाज है और मनुष्यों में भी इलाज है। इवन आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कई तरह के वो आते हैं ना आजकल, तो वो आ रहे हैं आपको, जिसको कहते हैं वो स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन अगर लगा दिए अपने डॉग में, तो वो जो है आपके डॉग को होगा ही नहीं। उस प्रोडक्ट के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो स्पॉट ऑन अगर लगा देंगे तो वो आपके डॉग को नहीं होगा, आपके डॉग को नहीं होगा तो आपको भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। डॉग को गंदा या भींगा रहने न दें, अगर हुआ वो भींगा है या कुछ है, क्योंकि देखिए आप स्पॉट ऑन से वो खुजली, वो जो मेंस को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, स्केबीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिंग वर्म को नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिससे कि नहीं रिंग वर्म होने से रोका जा सके। एक मात्र साफ सुथरा रखना ही, साफ सफाई रखना डॉग की, वो ही एकमात्र उपाय है। खैर, ये तो हो गया मेंज और रिंगवर्म की बात। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, वो है चिलेशियला। चिलेशियला कुछ भी नहीं है, एक जू है, एक विशेष तरह का जू होता है जो डॉग्स को होता है। सौभाग्यवश हम लोगों के देश में कम होता है, होता तो है नॉर्थ बिहार, नॉर्थ इंडिया में आपको काफी सारे जगहों में देखने मिलेंगे, साउथ इंडिया में थोड़ा कम मिलता है। तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर देखने को मिलेगा और साउथ इंडिया में कम मिलेगा ये, लेकिन ये भी काफी सारे डॉग्स में होते हैं। चिलेशियला एक तरह का जू है, और इसका भी फोटो मैं दिखा देता हूं आपको। ये है फोटो जू का। ये अगर डॉग को हो गया तो फिर जू से, डॉग से आपको हो सकता है, आपके आपके शरीर में आ जाएगा, आपके बालों में आ जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि ये जो जू है, जनरली वो सर के बाल में नहीं आता है। अगर आएगा भी तो आपको ये बगल में, इस जगह के बाल में, शरीर के दूसरे हिस्से के बाल में आएगा, ऐसा देखा गया। शायद इसका कारण है कि हम लोग तो रोज कंघी करते हैं ना, उससे झड़ जाता है, बाकी हिस्से में तो कंघी नहीं कर रहे हैं, तो वहां जाके छुप जाता है। फिर वहां आपको स्क्रैचिंग होगा और फिर ये भी काफी परेशानी में आपको डालने वाला है। तो ये तीन तरह की चर्म रोग जो है, मेन जो है, आपको अपने डॉग से आपको हो सकता है, हैंडल करते हैं। और आपको अगर खुजली महसूस होता है तो सावधान हो जाए, हो सकता है कि आपके डॉग से आप चर्म रोग आपके में शिफ्ट हो गया। तो ये था आज का वीडियो। इसे अगर पसंद आया होगा तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, इस जानकारी को बढ़ाएंगे, बांटेंगे, तो ताकि ये सभी बातें जो है ना, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, तो इसको अगर स्प्रेड नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, कुत्ते पालने के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए। खास करके फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स तो ये बात तो जरूर, ये वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।